तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आप मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बता ही दिया था कि आप पहली लेयर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। पहली लेयर तो आपने देख ली होगी क्योंकि आज मैं आप सबको इस वीडियो में टू लेयर कैसे कंप्लीट करना आपको सिखाऊंगा कि इस यूट्यूब की आपको टू लेयर कैसे कंप्लीट करना है। ये बीच में का ये पार्ट है, आप सबको कैसे सीखना है तो मैं आज सबको इस वीडियो में बता दूंगा क्योंकि आप सबको इसका नॉलेज पता होना चाहिए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप सबको इसका पूर्ण नॉलेज आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको इस क्यूब को सॉल्व करने के आप बता दिए हैं। तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए आप सबको सबसे पहले आपने हाथ में एक क्यूब लेना है। तो इस क्यूब को मैं आप पूरा बिगाड़ देता हूँ तो इस क्यूब को मैं पूरा बिगाड़ देता हूँ। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोज आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यह हमारे पास एक क्यूब है तो इसको मैं पूरा स्क्रैम्बल बिगाड़ दूंगा। तो चलिए देखिए मैं देखता हूँ। देखिए यह क्यूब पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब देखिए मैंने इस क्यूब को पूरा स्क्रैम्बल कर दिया। तो मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको इसका पूरा प्रोसेस ध्यान में नहीं रहेगा। आपको मैं पहले वीडियो में बता रहा था तो मैं आपको इस वीडियो में भी पहली लेयर और दूसरी लेयर आपको सब कुछ सिखाऊंगा। उस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करके दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको क्यूब सीख सकते हो। तो चलिए देखिए हमारे पास एक क्यूब है। आपको ऐसे दिख रहा होगा मैं तो ऐसे दिख नहीं रहा होता तो मैं आपको एक स्टेप ऐसे दिखाता हूँ, दूसरी स्टेप मैं आप सबको अगली बार अभी दिखाता हूँ। बस आप ये स्टेप देख रही है। देखिए आपको सबसे पहले ना वाइट कलर की दे आप सबको ये वाइट कलर ध्यान में रखना है। वाइट कलर ध्यान में रखना। आपको बस यहाँ पर प्लस आइकॉन बनाना है। ये कितनी बार लोगों ने आप सबको बता दिया होगा क्योंकि इस वीडियो में आप सबको मैं सब कुछ बता दूंगा। देखिए आपको यहाँ पर प्लस आइकॉन बनाना है। प्लस आइकॉन बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले आपको कलर छोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए इसके पीछे एक कलर होगा। देखिए एक कलर है, ये पूरा एल 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 बन गए, इसको एल कहते हैं। तो आपको प्लस आइकॉन बनाना है। तो प्लस आइकॉन बनाने के लिए आपको सबसे पहले फिर से आपको ये देखिए ये वाइट कलर आपको इधर कैसे लाना है। देखिए आपको ये वाइट कलर उधर डालना है और बीच में का नीचे डालना है। अब हमारे एक लेयर रह गया, एक सेंटर पीस रह गया। तो उस सेंटर पीस को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते। देखिए हमारा प्लस आइकॉन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को देखिए, ये नया चैनल है कि इसलिए आप सबको इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में दे सकूं क्योंकि इसके लिए मैंने अपना अच्छा चैनल खोला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको देखिए
आपको इस पूरा कलर सेंटर पीस सबको पता है, ये भर देने हैं किसी भी तरह भर देने हैं। ये पहले लेयर सिखा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये देखिए पूरा हेलो हेलो लिट्टी फेलो, हेलो लिट्टी फेलो। तो ये देखिए हमने ये पूरा व्हाइट कलर का कर दिया, पर हमारा वन लेयर अभी तक कंप्लीट भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी तक लेयर भी नहीं की। लेयर करना पड़ता है इसके लिए। तो लेयर करने के लिए आप सबको ये दिख रहा है रेड कलर, आपको यहाँ पर बीच में सा रेड कलर। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके आगे को मतलब आगे व्हाइट कलर रखना है, पीछे येलो कलर रखना है। ये खत्म हो गया तो आपको ऐसे क्यूब करो, इधर पकड़ना है। ऐसे क्यूब को पकड़ चुके हैं तो देखिए अब हम इसके नीचे सेंटर पीस ऐड करेंगे। देखिए ये देखिए ऐसे मैच होने चाहिए, ऐसे सब कुछ मैच होने चाहिए। ये मैच नहीं हो रहा तो हमें ये निकाल कर दूसरे को, रुकिए मैं सब कुछ कर देता हूँ। पूरा होने चुका है। अब हमें ये सेंटर पीस लगाना है। पहले हमने प्लस आइकॉन बना लिया है, ये देखिए इधर का सेम 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 सेम, ये भी सेम सेम है। तो हमें बस ये कॉर्नर जोड़ने हैं, ये कॉर्नर जोड़ने हैं। तो आप देखिए मैं कैसे जोड़ता हूँ, ये वीडियो को लास्ट तक देख रहे। देखिए हमने एक ऐड कर लिया, अब हमारा क्यूब अच्छे तरीके से दिख रहा है। देखिए मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, आप भी मेरे जैसे ऐसे ही करने लगेंगे। देखिए मेरे जैसे ही करने के। तो हमारा ये पहला पार्ट हो गया, अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो दूसरे पार्ट को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये टू लेयर कंप्लीट करनी है। ये टू लेयर बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं अपने दूसरे स्क्रीन से आपको सब कुछ बता देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये टू लेयर अब शिखर ही इस वीडियो से बाहर पड़ी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये कारण कि ये पहला लेयर हमने मैंने आपके सामने पूरा क्यूब स्क्रैम्बल कर दिया था, पूरा बिगड़ दिया था। मैंने आपको ये डबल सिखाया है, फिर से सिखाया है। तो मैं आज आपको ये टू लेयर वाला सिखाऊंगा। तो मैं आप सबको दूसरे स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिए। तो देखिए मैंने अपने बैक कैमरे के स्क्रीन में जा चुका हूँ। तो अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबको ऐसे ही अच्छे क्यूब सिखाता रहूँगा। तो देखिए मैं कैसे आज इस क्यूब को सॉल्व करने वाला, टू लेयर कैसे कंप्लीट करना है, आप सबको सब कुछ सिखा दूँगा। ये देखिए हमने पहले ये वन लेयर कंप्लीट कर दी थी, तो आज आप इस टू लेयर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो तीसरे लेयर को मैं किसी और वीडियो में सबको बता दूंगा, तो पहले आप इस वीडियो में ध्यान दीजिए। तो देखिए मैंने क्यूब का पकड़ा है, तो मैं सबसे पहले ये सेंटर पीस ये बीच के है, इन सबको भरना है।
इन सबको भरने के लिए आप सबको इस पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान देने के बाद आप सबको इसको एक बैक साइड में ले जाना है, आपको इसको नीचे लाना है, फिर से इसको इधर लाना है, फिर से इसको इधर लाना है, तो इसको नीचे लाना है। देखिए अब हमें इसको इधर से ये करना है। देखिए आप सब सब कुछ समझ गए होंगे। तो आपको इस ट्रिक में समझ नहीं आया तो आप दूसरे ट्रिक में समझ जाएंगे कि मैंने कैसे प्रोसेस किया है। तो देखिए अब हमको ऐसा वाला ग्रीन और रेड वो उसके जैसा एक कलर छोड़ना है। ये देखिए ग्रीन और रेड, तो इसको ग्रीन के नीचे लाना है। ग्रीन के नीचे लाने के बाद आप सबको इस ग्रीन को अपने लेफ्ट साइड में उसको पुश करना है। फिर हमें ऐसे करके फिर इसको ऊपर, फिर से नीचे, इसको नीचे, इसको यहाँ से ऊपर। देखिए हमारे ये सेंटर पीस लग चुका है। तो हमारा ये अभी तक दो सेंटर पीस रह गए हैं। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें रेड कलर का और नीला कलर का एक बैच चाहिए होगा। देखिए ये नीला कलर का है, तो ये नीला कलर से अटैच है। तो इस नीले कलर को, क्योंकि हमें ये सेंटर पीस इधर लगाना है, तो इसके मैं ये रद्द कर देता हूँ। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको ऊपर, और ये इसको नीचे। देखिए हमारा ये भी सेंटर पीस लग चुका है। आपको सब कुछ इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो हमारा ये लास्ट का रह गया है। तो अभी तक आपने हम अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए हम अब लास्ट का ये लगाने वाले। हम यहाँ इस कलर को मैच हो चुका है, तो हमें ये पीस इधर लगाना है। इस पीस को इधर लगाने के लिए, इधर लगाने के लिए आप सबको इस पीस को इधर लाना होगा, इसको नीचे लाना होगा, इसको यहाँ, इसको ऊपर, इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये ऊपर हो गया। तो हमारा ये टू लेयर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप मेरे जैसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैंने तो प्रैक्टिस बहुत ही कर ली थी। तो आप मेरे से सीख कर सब कुछ आप सबको आना चाहिए। इसलिए मैंने आप सबको ऐसे वीडियो में बैक कैमरे में आप सबको बता दिया है। तो हम तीसरी वीडियो किसी और मैं जल्दी लाता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप कमेंट बॉक्स में भी इसको बता सकते हैं मैंने कैसे किया है। तो अच्छा किया है तो बता दीजिए। आपको मेरे से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो आप बता सकते हैं। तो मैं ये तीसरे लेयर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में बता दूँगा। फिर भी मैं आप सबको, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो तो इसलिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पर प्लस आइकॉन बना देना है। को मैंने पहले लेयर में आप सबको बता दिया था, तो प्लस आइकॉन फिर से यहाँ पर भी प्लस आइकॉन बनाना था। तो इस वीडियो को मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो पहले आपका मुझे कमेंट आना चाहिए कि ये वीडियो बहुत बहुत मोटिवेशनल था और आपको बहुत सपोर्ट मिला कि आपको सॉल्व करने, टू लेयर आप सॉल्व करते होंगे। फिर भी आप सबको ये टू वन लेयर आपको आता नहीं है, तो मैं इसका वीडियो ऐसे ही बैक कैमरे में आप सबको बता दूंगा। तो मुझे ये सब कुछ आप मुझे मैसेज कर दीजिए इस वीडियो के नीचे वाले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो
लेस देन टू बाय।